क्या हाल है भाई लोग। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको दिख रहा हो। ये ब्लूटूथ स्पीकर है जो मीवी की तरफ से आने वाली है। तो ये एक छोटा सा स्पीकर है और बहुत प्रीमियम लगता है देखने में। इसको आप इजी टू कैरी भी कर सकते हो। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है। आप देख सकते हो पूरी तरह से पैकेज है। तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना कि मेरा वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पैकेजिंग के ऊपर से बात कर लो तो ये आपको देख सकते हो कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है और यहाँ पे छोटा सा मीवी का साउंड बना हुआ है, ले लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ ब्लूटूथ स्पीकर मेड इन इंडिया का ये प्रोडक्ट है। और आप देख सकते हो इसमें पुश द लिमिट्स लिखा हुआ है और इस पे ये सब कुछ फंक्शन है जो कि आप देख सकते हो, जिसमें इसमें आपको 5.0 का वर्जन मिलता है। तो इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी भी आती है। तो ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा क्यूट सो बॉक्स में आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ओपन करते ही आपको इसके साथ हमें 1 साल की वारंटी मिलती है और ये एक वेलकम कार्ड मिलता है। इसके साथ हमें एक मैनुअल गार्ड मिलता है जो कि बहुत लंबी चौड़ी के साथ आता है। और इसके अंदर हमें एक छोटा सा साउंड मिलता है जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। देख सकते हो ये मैंने मंगाया है, थोड़ा वाइट से मिलता जुलता। और बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो बॉक्स में आपको एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मिलता है जो कि बहुत चीप है। और बॉक्स की बात करो तो आपको एक 3.5 mm जैक डबल मिलता है जो कि आप एक मोबाइल से प्लस इससे कनेक्ट करा के चला सकते हो। और बॉक्स में बात करो तो बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ इतने सारे आपको प्रोडक्ट मिलते हैं बॉक्स में जो कि आप ये देख सकते हो, माइक्रो यूएसबी जो चार्जिंग के लिए और ये 3.5 mm जैक और एक ये साउंड। ये सारे प्लास्टिक के साथ आते हैं। ये नीचे थोड़ा सा रबड़ का यूज किया गया है जो आप देख सकते हो गोल सा है। को अभी साउंड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बटन मिलते हैं जो कि ये शायद पावर ऑन का बटन है या आप देख सकते हो इसमें देख सकते हो आप इसमें पावर ऑन हो गया ब्लूटूथ मोड और ये शायद सॉन्ग बैक करने का है। और इस साइड आप देख सकते हो इसमें माइक्रो यूएसबी चार्जिंग का और 3.5 mm का जैक भी मिलता है। और ये आप पे एक देख सकते हो स्ट्रिप जो कि एक कपड़े का बना हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी, इसको आप हाथ में ऐसे फंसा सकते हो। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम का बटन मिलता है देख सकते हो आप प्लस माइनस का। और आपको यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रहा होगा ब्लू कलर में। तो चलिए इसे हम मोबाइल से कनेक्ट करा के देखते हैं हमारा साउंड कैसा है। तो आप इससे पहले इसे ऑन कर लें जो कि आप ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा होगा देख सकते हो। और आप इसमें सर्च करें, आप देख सकते हो इसमें आपका सर्च में आपको मीवी प्ले के नाम से आ जाता है। आप इसे पेयर कराओगे तो ये पेयर हो जाएगा और इसमें आपको बोलेगा भी। आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम कोई सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं। आप इसमें देख सकते हो मैं इसमें एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। ये आप देख सकते हो एक सॉन्ग प्ले हो चुका है और इसकी फुल साउंड यही है। तो मैं इसमें आपको दिखा दूं वाइब्रेट करना होगा तो मैं इसी का कार्ड इस पे रखता हूँ और सॉन्ग प्ले करता हूँ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। और इधर आपको कुछ गैप्स मिलते हैं जो कि आपको इसमें एयर, इसमें से भी एयर आती है जो कि हवा जो यहाँ से हवा आती है वैसे इधर से भी हवा निकलती है। और इसमें आप यहाँ पे 2 बटन है जो कि आप ऑन ऑफ यहाँ से प्ले और पॉज कर सकते हो देख सकते हो। और आपको पीछे साइड आपको साउंड कम करने का और ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है जो आप देख सकते हो। इससे आप साउंड तेज कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे छेद है, यहाँ इसका माइक का ऑप्शन है, आप कुछ भी इसमें बोल सकते हो। नो कॉपीराइट सॉन्ग, तो आप देख सकते हो इससे ये कनेक्ट हो गया, इस पे ये इसमें बोला और इसमें सर्च हो गया। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये साउंड है। तो मैं अपने तरफ से बताऊँ ये मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल इसे लगा क्योंकि इसकी साउंड जो है उतना अच्छा मुझे नहीं लगा अदर साउंड के हिसाब से। वैसे अगर आप छोटी मोटी पार्टियाँ के लिए ये आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस होगा। इसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है, ना कि मैं इधर उधर से लिया हूँ। मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, ये अच्छा है। आपको इतने चीप प्राइस में कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलता है। इसमें आप पावर ऑफ करते हो इसमें भी आवाज़ आता है।
अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो या 5 वोल्ट के चार्जर से चार्ज कीजिए, अदरवाइज ये खराब कर देगा आप। ये डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे पानी में डाल दें। और इसकी रेंज देखूं तो ये ओवरऑल मुझे 8 मीटर का रेंज दे रहा था। और इसकी बैटरी एमएच जो है वो 1000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको 2-3 दिन का बैकअप दे देगा अगर आप लगातार यूज करते हो तो। हमको तो लगता है एक ही दिन में ये बैठ जाएगा। और जो इसमें चार्जिंग टाइम लेता है, ये आपका 2 घंटा चार्जिंग टाइम लेता है। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो कि आप सभी को जानना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां जाकर परचेस करते हो। ओके बाय।